पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं, दूसरी बात यह है कि हमारी जो आज यहाँ मीटिंग थी, एक्चुअली आपको पता है कि इस वक्त हमारे जो DDC कैंडिडेट हैं उनके इलेक्शन यहाँ चल रहे हैं, उसके बारे में आज हमें मीटिंग थी। इसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर, हमारे जितने भी हैं वो सब इसमें थे, और उसके बाद ये तय हुआ कि आज से ही नहीं बल्कि 10 दिन पहले हमारी पार्टी जो मेहनत कर रही है, हर जगह जा रही है, डोर टू डोर हर पंचायत में, इंशाल्लाह ये सबको इस वक्त पता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी कुपवाड़ा की सीट किसी भी हालत में निकालेगी, क्योंकि ये हमारी झोली में इंशाल्लाह है। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारे मतलब मीर साइमा है, वो DDC कैंडिडेट थे, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, और उसको हमें सपोर्ट करना है। शिकिला जी जो हमारी कैंडिडेट है उसके साथ रहेगी और हमारी पार्टी के साथ रहेगी, तो हम बहुत खुशकिस्मत लोग हम अपने आप को समझते हैं कि ऐसे कैंडिडेट हमारे साथ आ गए। जो मीर साइमा है ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती थी, इसके पास भी बहुत अच्छे वोट थे, इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ आ गई और हमारी पार्टी के साथ काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसने ज्वाइन भी किया, तो मीर साइमा को मुबारक है कि उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कैंडिडेट हमारी थी, आज भी कैंडिडेट हमारा शिकिला जी है, इसी को हमें वोट डालना है। शिकिला जी तो हमारी कैंडिडेट है, बाकी पार्टी ने नहीं निकाला था, अलता सस्पेंड थी वो, मुझे भी पार्टी सस्पेंड कर सकती है, बशारत साहब भी सस्पेंड था, शफी साहब भी कभी था, ये तो पार्टी में होता रहता है, इसमें ये नहीं है कि हमारे में कोई भी किसी को पार्टी सस्पेंड करेगी उसका मतलब नहीं है कि पार्टी से निकाला। पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी को निकालती नहीं है। इस वक्त ये हमारी कैंडिडेट पहले भी थी, आज भी हमारी कैंडिडेट है। हम जो भी करते हैं वो पार्टी के अंडर हम करते हैं, और जो पार्टी का हुक्म होगा हम वही करते हैं, उससे आगे पीछे हम कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक फैमिली है, और हर फैमिली में आपस में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, ठीक है। आपस में हर घर में अगर 10 बंदे हैं आपस में क्लैशेस रहते हैं। कुछ पार्टी मामलात पे हमारे आपस में मामलात थे, वो इंशाल्लाह कल सॉल्व हो गए सब। आदरणीय कौल साहब के पास भी हम थे, वहाँ पे भी मसला सारा क्लियर हो गया है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। अब पार्टियों में ये सब चीज़ें चलती रहती है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। मीर साइमा की बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जैसे यहाँ पे हमारे ज़िला प्रधान है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अब्दुल रहमान लोन साहब ने आपसे मुखातिब होकर बताया है कि हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी में फिर ऐसे मामलात खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो हम इस टाइम शकीला जी को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी पार्टी की कैंडिडेट हैं। बेशक वो थी एज चीफ इलेक्शन एजेंट भी, मैं उनका ये बता रहा हूँ आपको, और उनके हस्बैंड होने के नाते भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर एक लेटर भी उसके लिए बनाई है, वो हम अभी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जो है सौंप रहे हैं, तो इस तरीके से आगे हम काम करेंगे और मिलकर काम करेंगे। यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारे सपोर्टर थे, जो मीर साइमा के सपोर्टर थे, हम उनसे सबसे अपील करते हैं कि वो सब मिलकर अब सामने आए, शकीला जी की हेल्प करें, शकीला जी के लिए दिन रात जो है काम करें और खड़े रहें, ताकि हम इनको कामयाब कर सकें। बस यही कहूँगा, पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस जो समारोह यहाँ पर हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ज़िला अध्यक्ष अब्दुलरहमान लोन के नेतृत्व में जो हुई, वो आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जनाब अशोक कौल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ पे कुपवाड़ा में रखने का जो हुक्म दिया था, उसके मुताबिक आज हमने यहाँ पे जो मीर साइमा थी, जो DDC कैंडिडेट थी, वो पहले किसी कारण वो इलेक्शन उसका जो काउंटिंग वगैरह वो डेफर हुई थी, तो आज उसका जो अब नोटिफिकेशन आज से पहले एक महीना निकली थी, तो जो आज इलेक्शन की प्रोसेस है उसमें आज मीर साइमा ने अपना पक्ष रखा, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के हक में उसने सपोर्ट किया और अपने आप को वहाँ पे उसने विड्रॉ किया, और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट शकीला अख्तर को अपना जो सपोर्ट है वो देने जा रहे हैं, दिया है, और आज से ही पूरे इस DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के पास जाकर उनसे वोट मांगेंगे, और वोट इस आधार पर मांगेंगे कि यहाँ पे जो विकास है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पे और यहाँ की तरक्की पर ही दारोमदार करती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारी स्कीमें ऐसी है जो गरीब लोगों तक वो उसकी रसाई हुई, और मैं समझता हूँ इस वक्त आम लोगों को इस बात का एहसास भी होना चाहिए, जैसे कि आज एक साल से नहीं 3 साल से राशन हर घर में, हर गरीब के घर में मुफ्त दी जा रही है। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान।
हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स एमए रोड श्रीनगर या डायल करें 6006750045 या 9419011444।